तो आज ये है तकरीबन सुबह का टाइम और सुबह मेरे हस्बैंड आए थे। आई मीन कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी सुबह तो 12 साढ़े 12 बजे के टाइम ही होती है और अक्सर लोगों का ये होता है खाने का टाइम यानी कि दोपहर का टाइम। तो बस इस टाइम मेरे हस्बैंड आए थे दोपहर का खाना खाने। तो जब वो खाना खाने आए तो है ना, क्योंकि कलर रखा हुआ था उनके जो बालों में मैं लगाती हूँ, तो कह रहे कि पहले मैंने कलर लगा दो, इतने में खाना वगैरह खा लूँगा तो कलर का भी टाइम पूरा हो जाएगा। तो बस कलर मैंने बना लिया है और अब आपको दिखाती हूँ मैं। और ये कलर ये वाला लेकर आती हूँ मैं गार्नियर का, क्योंकि ये सही रहता है, इससे ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर आता है और ना है ना लाइट आता है, एकदम नेचुरल कलर लगता है और अच्छा भी लगता है लगाने में, ना बाल भी एकदम सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं, बहुत सही रहता है। थोड़ा एक्सपेंसिव तो है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ये मैंने बना लिया है और इसके बाद नाश्ता वगैरह तो खैर अभी मैंने खाने के साथ ही उनके कर लूँगी मैं। तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पॉलर आईब्रो वगैरह बनवाने, क्योंकि साथ साथ बस जल्दी से काम हो जाए तो वही सही रहता है। तो बस अब ये कलर लगाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी टाइम था कलर वगैरह लगा के मैं फारिग हो गई थी अपने हस्बैंड के और वो नहा धो के चले गए हैं माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा कलर आया था। गार्नियर का कलर जो होता है आप भी वो यूज़ करिएगा, बहुत शाइन आ गई थी एकदम से ना, बालों में जान आ गई थी। और उसके साथ ना एक छोटा कंडीशनर भी आता है, और जब वो कंडीशनर आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छे से एक शाइन आ जाएगी बालों पे। और अब मैं दिखाने लगी हूँ आपको अपने हस्बैंड की शॉपिंग, और क्योंकि शादी में जाहिर सी बात है वो भी जाएंगे हमारे साथ या हम ही उनके साथ जाएंगे, तो बस जी उनके लिए भी शॉपिंग करनी थी। और अभी आप लोगों को याद ही होगा कि हमारी एनिवर्सरी गुजरी है तो उसमें मैंने उन्हें गिफ्ट नहीं दिया था, तो मैंने बोला था आप लोगों से कि जब मैं उनके लिए गिफ्ट लाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने उन्हें क्या दिया। चले अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं उनके लिए क्या लाई थी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है 2 पीस, ठीक है, और ये लेकर आई हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए। खैर गई तो मैं उन्हीं के साथ लेने थी और उनकी ही पसंद से लिया है ये मैंने, और मैंने तो कहा था कि आप 3 पीस ले लें लेकिन उनका दिल था कि वो लें 2 पीस। तो बस जी ये उनकी पसंद से उनका गिफ्ट मैंने उन्हें दिलाया है या दिया है, और बहुत मज़ा आया था। खैर शॉपिंग करने हम लोग हैदरी गए थे और हैदरी से ही लिया है ये पीस, और ये और भी कलर थे लेकिन हम लोगों को ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस जी ये है मेरे हस्बैंड का गिफ्ट और ये पहनेंगे वो वलीमे वाले दिन या रिसेप्शन पर। अच्छा जी, तो अब आ गई थी मैं किचन में, और किचन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बना रही हूँ बिहारी कबाब मसाला, ठीक है, और ये मैंने शान का पैकेट मंगा लिया था तो बस उसी के ही अकॉर्डिंग जो उस पर इंस्ट्रक्शन लिखी हैं बनाते हैं, और खैर बनते तो बहुत मज़े के हैं। तो ये बीफ ले लिया है मैंने और इसकी जैसे तिक्का बोटी होती हैं उस तरीके से बना ली है। तो बस जी इस तरीके से आप चाहें तो ये चिकन में ले लें बोटियाँ आप, या चाहें बीफ में ले लें। और ये है पपीता पिसा हुआ, और इसे मैं पीस के फ्रीज कर लेती हूँ तो अक्सर ऐसी चीज़ें जब बनानी होती हैं तो ये काम में आ जाता है। और ये है 2 टेबलस्पून भर के, ठीक है, और ये है वही मसाला बिहारी कबाब मसाला, पूरा पैकेट डाल दिया है मैंने। और अब इसके बाद डलेगा दही, और लहसुन अदरक में डालना इस टाइम भूल गई थी तो वो मैंने बाद में ऐड कर दिया था। और इसके बाद डलेगी इसमें तली हुई ब्राउन प्याज, प्याज मैंने औरूप से कहा था कि है ना औरूप ये प्याज जो है ब्राउन कर लेना, तो औरूप ने थोड़ी डार्क कर दी, आप थोड़ी लाइट प्याज ब्राउन करिएगा तो आपके जो बिहारी कबाब का कलर है बहुत अच्छा आएगा, और सालन हो या कुछ भी हो उस पे जो कलर होता है ना उसका बहुत मैटर करती है प्याज का रंग ना, कि जितना अच्छा आपके प्याज का कलर होगा इतने मज़े का कलर आपके सालन का या जो आप कबाब वगैरह बना रहे हैं उसका होगा। तो आप थोड़ी लाइट कलर की करिएगा यानी कि गोल्डन ब्राउन, ठीक है। तो सब चीज़ें डाल के मैंने अब उसमें डाल दिया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के, और ये वही ऑयल है जिसमें प्याज ब्राउन हुई थी, ठीक है। और लहसुन अदरक मैं इस टाइम भूल गई थी तो अभी मैं बाद में ऐड कर दूंगी, वो आपको क्लिप नज़र आ जाएगा। तो जी ये हमारी तिक्का बोटी मज़ेदार सी मैरिनेट हो जाएगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी इसकी, मैरिनेट का जो टाइम होगा, इतने मज़े के हमारी ये बिहारी कबाब
बनेगी, ठीक है। और ये लहसुन अदरक भी मैंने ऐड कर दिया है, और ये एक दिन पहले का पिसा हुआ था तो थोड़ा ना ग्रीन ग्रीन सा हो गया था, ठीक है। और बस अब इसे मैं रख दूंगी, और फिर हमें इसे सिर्फ निकाल के कढ़ाई में ऐड करना है। और ये तकरीबन 1.5 घंटे बाद का टाइम है, मैंने इसे कढ़ाई में ऐड कर दिया था। और अब इसके बाद मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी ताकि अच्छा सा, यानी कि ऑयल का जो काम होगा वो करेगा अपना। तो बस जी अब इसे ऑयल डाल के इसे ढककर हम रख देंगे, और बस सिर्फ इसे गलने रख देना है। और क्योंकि इसमें हमने पपीता ऐड करा है तो बहुत इजीली ये कुक हो जाएगा। और अगर आपके पास पपीता नहीं है तो जो गोश्त गलाने का पाउडर आता है, कचरी पाउडर या शान का भी आता है गोश्त गलाने का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पपीता था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपको जो इजी लगे आप वो इसमें डाल लें। और ये तकरीबन 1 से 1.25 घंटे बाद इसकी ये कंडीशन थी, और ये बस भुनाई पे आ गया था और बहुत मज़े के बने थे। बस प्याज की वजह से थोड़ा सा कलर डार्क हो गया इसका, आप गोल्डन ब्राउन प्याज करिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट भी आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस अब इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, और बोटियाँ भी थोड़ी बड़ी बड़ी लाइएगा ताकि वो नज़र आएँ। और इसके साथ आज हमने बाहर से पराठे मंगवाए थे, जो बाहर पूरी पराठा मिलता है, तो बस वही मंगाया था। दही थी, प्याज कट कर ली थी, और ये हमारी मज़ेदार सी बिहारी कबाब बोटी तैयार है। आप चाहें तो इन्हें सीखों पर भी बना सकते हैं, मेरे घर में इतनी स्पेस नहीं थी तो मैंने फिर इन्हें कढ़ाही में ही बना लिया। और अक्सर ये लोग सीखों पर ही बना रहे होते हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। और अगर आपके पास कोयला है तो इस पर भी आप कोयले का धुआं दे दें और बारबेक्यू इसमें फ्लेवर आ जाएगा और ज़्यादा इसका मज़ा आएगा आपको खाने का। तो ये मैं आपको खाकर दिखाती हूँ कि कितने मज़े के बने हैं, और गोश्त भी बहुत अच्छे से ये गल गया था। तो जी बस यहीं तक थी वीडियो, आप भी ये रेसिपी बनाइएगा और खाइएगा मज़े से। शुक्र अदा करिएगा अल्लाह का, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा भी खाना रेडी हो गया और हम खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और आ जाएं आप लोग भी खाना खा लें। तो बस जी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।